जब बाप का जूता बेटे को आना शुरू हो जाए तो उसको ज्यादा एडवाइस नहीं करते हैं। जब बाप का जूता बेटे को आना शुरू हो जाए तो उसको ज्यादा एडवाइस नहीं करते हैं। सर, नील भारती ने ये भी फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि जो कांगड़ा में पहले से ही जिला के अंदर अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वही वहां पर हैं और आप एकमात्र मंत्री है कांगड़ा जिला से। जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी हो रही है, उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। और एक उन्होंने विधायक का भी जिक्र किया है कि वो आपके भी खास हैं और सीएम साहब के भी खास हैं और वो गलत गाइड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सारे विधायक खास ही होते हैं क्योंकि ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी। तो ये क्या देना कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन एक दिन में नहीं बदला जाता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब सरकार सत्ता में आई है तो कोई प्राथमिकता होती है सरकार की, उसको देख करके रीशफलिंग वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन करती है। अभी तो हम उस जो भयानक आपदा जो है जल प्रलय क्या है उसी की तरफ ध्यान है। जब ठीक समय आएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी रीशफल, मुख्यमंत्री का अपना पदाधिकार है वो कर देंगे, इसमें क्या करोगे। चौधरी साहब, वो आपके ऊपर भी बयान जो है वो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, आप तो उसके साथी हैं, आप सब कुछ जानते हैं उसके बारे में, उसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं। विपक्ष का समय सुखी था ऐसा कह रहे हैं वो, सरकार में कुछ हो नहीं रहा है। अपनी सोच है इसमें, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स करने के लिए तो नहीं, आपको मतलब की बात है वो पूछो। कई बार कई चर्चा जो है वो मीडिया में आती रहती है। जिस तरह से सर बात करेंगे फिर आप, क्योंकि आपके बेटे भी है, समझाएंगे थोड़ा कि चलो गिले शिकवे। ना ना ना, कुछ बेटे का क्या सोचा। जब बाप का जूता बेटे को आना शुरू हो जाए तो उसको ज्यादा एडवाइस नहीं करते हैं। ठीक है।